राज्य है जो इस वक्त बार बारिश का कहर झेलने को मजबूर है, और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर कौन से राज्य के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मानसून से अब लोगों ने तौबा कर ली है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मैदान बाढ़ के हाहाकार का सामना कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और गाजियाबाद तक बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जलभराव की वजह से लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ा, गाड़ियां पानी में रिंगती हुई नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश इसी तरह होने की संभावना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, लिहाजा रास्ते बंद हो गए हैं। इससे लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश के चलते 338 सड़कें बंद हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी बारिश का कोहराम जारी है, राजस्थान में बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सहित 4 जिलों में सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी जारी है, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।